नमो नमः। मम नाम संजीता एलपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेशाम हार्दिकम स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के संस्कृत रत्नम के तृतीय पाठ परिश्रमस्य फलम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुने। परिश्रमस्य फलम, इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल। जो परिश्रम करता है उसको फल मिलता है। एकस्मिन् मनोरंजन उद्याने एका चटका निवसति स्म। एकस्मिन् मीन्स होता है एक बार। एक मनोरंजन के बगीचे में एक चिड़िया रहती थी। एका एक चटका चिड़िया निवसति स्म, रहती था थे थी, भूतकाल के लिए प्रयोग किया गया है स्म का। स्म मीन्स था या थी थे। एक बार मनोरंजन के उद्यान में एक चिड़िया रहती थी। एकह काकह अपि तत्रैव आसीत, एक कौवा, काकह मीन्स कौवा, एक कौवा अपि भी तत्रैव वहाँ आसीत था, एक कौवा भी वहाँ था। एकदा एक बार काकह कौवा अवदत बोला, एक बार कौवा बोला अइ चटके ए चिड़िया आगच्छ, आओ सहैव मिलित्वा आवाम कृषि कार्यम कुर्वा, आओ हम दोनों साथ मिलकर कृषि का कार्य करते हैं। चटका उक्तवती चिड़िया ने कहा समीचीनम, चलतु कृषि कार्यार्थम। चिड़िया ने कहा ठीक है, चलते हैं कृषि कार्य के लिए। तदा काकह अवदत, तदा मीन्स तब, कौवा बोला चल चल त्वम अहमागच्छामि वृक्षस्य हरित शाखायाम उपविश्य दृश्य मनोहरम पश्यामि। तब कौवा बोला तुम चलो, मैं आता हूँ पेड़ की हरी शाखा पर बैठकर मनोरम दृश्य को देखता हूँ। इसके बाद है आगच्छ मिलित्वा कृषि कार्यम कुर्वा। चिड़िया कौवे से कहती है आओ मिलकर कृषि कार्य करते हैं। त्वम गच्छ अहम आगच्छामि दृश्य मनोहरम पश्यामि, कौवा बोलता है तुम जाओ, मैं आता हूँ मनोहर दृश्य को देखता हूँ। इसके बाद बीज वपनम कर्तुम चलतु, चिड़िया कहती है चलो हम लोग बीज बोने का कार्य करते हैं। त्वम गच्छ तुम जाओ, अहम आगच्छामि मैं आता हूँ दृश्य मनोहरम पश्यामि मनोहर दृश्य को देखता हूँ। कौवा फिर यही बात कहता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। चटका हलकर्षणम कृतवती पुनश्च उक्तवती, चिड़िया हल से कार्य करना शुरू करती है। चटका मीन्स चिड़िया, हल कर्षणम मीन्स हल से कृतवती, चटका हल, चिड़िया हल लेकर पुनः कौवे से कहती है चलतु रे काकह बीज वपनम करोति, चलो कौवे हम लोग बीज बोने का कार्य करते हैं। पुनरपि काकह अकथयत, फिर कौवे ने कहा चल चल त्वम अहमागच्छामि तुम चलो, मैं आता हूँ वृक्षस्य हरित शाखायाम उपविश्य दृश्य मनोहरम पश्यामि, पेड़ की हरी शाखा पर बैठकर मनोहर दृश्य को देखता हूँ।
चटका किम वा कुर्यात? चिड़िया क्या करती है? बीज वपन कृतवती, बीज बोती है। बीज वपनांतरम सुंदरम सस्यम क्षेत्रे उद्भूतम, बीज बोने के बाद सुंदर फसल खेत में निकलता है। बीज बोने के बाद सुंदर सस्यम मीन्स फसल क्षेत्रे खेत उद्भूसम उद्गम होता है, मतलब बीज बोने के बाद सुंदर फसल क्षेत्र में खेत में निकलता है। हरित मये क्षेत्रे अन्यानि त्रिणानि अपि आगतानि, हरे खेत में अन्य घास भी आ जाते हैं। आगतानि मतलब आ जाते हैं। पुनः तानि अवांछित त्रिणानि उपाट्य कृषि कर्मणि सहायं कर्तुं यदा चटका अवदत्। फिर जितने भी बेकार अवांछित घास होते हैं उनको उखाड़कर कृषि का कार्य करने में सहायता करने के लिए जब चिड़िया बोलती है तदा पुनः तदेव पद्मयम् वाक्यम काकः पुनः उक्तवान् अन्ते सस्यम् पक्वम् अभवत्। तब पुनः वह उसी पद्मय वाक्य को कौवा कहता है, अंत में फसल पक जाती है। पक्वम अन्नमपि चटका एव कृषि क्षेत्रे एकत्रितम कृतवती, पके हुए अन्न को चिड़िया उस खेत में एकत्रित करती है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगला देखिए। किंचित दिनांतरम वृष्टिकाल आगत, किंचित मीन्स कुछ दिनों बाद, दिनांतरम कुछ दिनों बाद, वृष्टिकाल वृष्टि मीन्स वर्षा, आगत आ जाता है। कुछ दिनों बाद वर्षा का काल वर्षा का समय आ जाता है। वृष्टि प्रारब्धा तदा चटका उक्तवती, वर्षा के बाद वर्षा आने पर चिड़िया कहती है अन्नस्य स्वस्य भागम स्वस्थाने नयतु काकः, क्या कहती है? अपने भाग का फसल कौवा जाकर ले लो। काकस्य नीडम नासीत, नीडम मीन्स घोंसला, नासीत नहीं था। काकस्य कौवे का संबंध कारक है इसमें, कौवे का घोंसला नहीं था। चटका नीडम निर्मितवती आसीत, चिड़िया अपना घोंसला तैयार कर ली थी। सा स्वस्य भागम तत्र स्थापितवती, वह अपने भाग का फसल वहाँ पर रख लेती है। कहाँ पर? घोंसले में। इसके बाद देखिए क्या होता है। वृष्टि जलस्य वेगेन काकस्य अन्न भागः जलेन सह प्रवाहितः जातः, वर्षा के जल के वेग के कारण, मतलब वर्षा इतनी तेज हुई कि वर्षा के जल के वेग के कारण कौवे के अन्न का जो भाग था वह जल के साथ, सहमिन साथ, जल के साथ प्रवाहित जाता, बह गया। वर्षा के जल का वेग इतना तेज था कि कौए के अन्न का भाग जल के साथ ही बह गया। काकः कदापि नीडं न निर्मितवान, कौवा कभी भी घोंसला नहीं बनाया।
अतः फलमपि न प्राप्तवान्, इसलिए फल भी प्राप्त नहीं किया। परिश्रमस्य फलमपि चटका एव उपभोक्तवती, परिश्रम का फल भी चिड़िया ने ही उपभोग किया। कहने का मतलब, चिड़िया ने अकेले ही मेहनत किया और जब उसने परिश्रम किया तो परिश्रम का फल भी चिड़िया को अकेले ही मिला। कौवे ने तो शुरू से कुछ भी नहीं किया। जब चिड़िया ने कौवे को बुलाया तो कौवे ने क्या कहा कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ और हरी पेड़ की शाखा पर बैठकर मनोहर दृश्य देखता हूँ। हर बार उसने यही कहा। इसलिए जब चिड़िया ने खेती का कार्य कर लिया, फसल तैयार हो गई, तो फसल का भाग भी आधा आधा कर दिया। लेकिन चिड़िया तो अपने हिस्से का फसल ले गई और कौवे से जब उसने कहा तो कौवे ने अपना घोंसला ही नहीं बनाया था तो वह फसल को कहाँ रखता। और उसी में बारिश का दिन आ गया, बारिश बहुत तेज़ी से हुई तो कौवे के फसल का जो भाग था वह पानी के साथ बह गया। इसलिए कहा जाता है कि चिड़िया ने परिश्रम किया तो उसका उपभोग भी चिड़िया को ही करना पड़ा, चिड़िया को ही मिला उसका फल। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए और आलस कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हर समय प्रयास करते रहना चाहिए। अब चलिए इसके कुछ शब्दार्थ को भी हम लोग देखते हैं। इसको आप सब अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा शब्दार्थ को, और याद भी कर लीजिएगा। चटका, चटका का क्या अर्थ होता है? गौरैया। तत्रैव का क्या अर्थ होता है? वहीं। निवसति इस्मह, निवसति मीन्स रहता, इस्मह था थे थी के लिए प्रयोग होता है। तो निवसति इस्मह रहता था, निवसति इस्मह रहता था। अवदत, अवदत का अर्थ होता है बोला। कुर्वह, कुर्वह का अर्थ होता है करें। कृषि कार्यार्थम, इसका अर्थ होता है कृषि कार्य के लिए। अकथयत, अकथयत का अर्थ होता है बोला। अहमागच्छामि, देखिए इसमें दो पद हैं, अहम प्लस आगच्छामि, तो अहमागच्छामि का अर्थ होता है मैं आता हूँ। हरित शाखायाम, इसका अर्थ होता है हरी डाल पर। मे पर कौन से कारक का चिन्ह है? अधिकरण का। मे पर हरित शाखायाम हरी डाल पर उपविश्य बैठकर दृश्य मनोहरम, मनोरम दृश्य हल करसणम, हल से जुताई। इसके बाद है बीज वपनम, मतलब बीज बोना। सस्यम फसल, उद्भूतम उत्पन्न हुई। हरितमय, इसका अर्थ होता है हरे भरे। इसके बाद अवांछित त्रिणाली, इसका अर्थ होता है खरपतवार, मतलब खेतों में जब फसल बोई जाती है तो कुछ अवांछित हरे भरे छोटे छोटे पौधे टाइप के भी निकल जाते हैं जिसे घास कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, चिड़िया ने जब फसल बोया तो जब वहाँ पर कुछ अवांछित खरपतवार निकल गए, घास निकल गई, तो चिड़िया ने उसे भी हटाया, तब जाकर फसल साफ हुई। उपाट्य का अर्थ होता है उखाड़ कर, मतलब घास को उखाड़ कर फेंका। पक्वम मीन्स होता है पका हुआ। किंचित का अर्थ होता है कुछ, और प्रारब्धा का अर्थ होता है प्रारंभ हो गई। नीडम का अर्थ होता है घोंसला, जैसा कि चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और
कौवा ने अपना घोंसला नहीं बनाया था। वेगेन मतलब वेग से, बहुत तेज तीव्र। निर्माति का अर्थ होगा बनाता है। उपभोक्तवती मतलब उपभोग किया। चिड़िया ने खेत में अकेले ही परिश्रम किया था, खेत को साफ किया, बीज बोया, खाद डाला और जब फसल तैयार हो गई तब भी कौवे ने कुछ भी नहीं किया। चिड़िया ने अकेले ही फसल को इकट्ठा किया और आधा आधा किया और कौवे से कहा कि तुम अपने हिस्से का फसल ले लो, मैं अपने हिस्से का फसल ले जाती हूँ, और ले जाकर अपने घोंसले में रख लेती है क्योंकि उसने घोंसला बनाया होता है। और कौवे ने अपना घोंसला नहीं बनाया होता, इसलिए कौवे का जो फसल होता है वो तेज बारिश में जल के साथ बह जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इस वीडियो को देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। शब्दार्थ आप सभी अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।